इन साथियों, आज की वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2019 में आए हुए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि हर शिफ्ट के क्वेश्चन की डेली एक वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसमें से 50 क्वेश्चन आपको जीके को देखने को मिलेंगे। यह आंसर की जो भी आंसर की थी सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम के, वो उसके क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की आरपीएफ भर्ती से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। पहला क्वेश्चन है, 1798 में ब्रिटिश भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसमें चार ऑप्शन हैं, तो ग्रीन जो ऑप्शन दिया गया है ये इसका आंसर है, लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए द्विवार्षिक चुनाव, बी अप्रत्यक्ष चुनाव, सी आम चुनाव, डी द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव। तो आंसर द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, NEFT का बैंकिंग लेन देन में पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर इसका सही आंसर है NEFT का। नंबर चार क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन सी जेम्स चैडविक ने की थी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर पाँच है, जो यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और सॉल्वेंट्स में अघुलनशील है होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, इलेक्ट्रोवेलेंट यौगिक। क्वेश्चन नंबर छः, राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में किसके द्वारा भारत में हुई थी? तो इसका सही आंसर, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना 1998 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर सात है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की SI इकाई ऑप्शन सी ओम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल दिए गए ऑप्शन में विज्ञान, गणित, साहित्य और खेल में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन दस नंबर है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ का मंदिर ऑप्शन ए गुजरात इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, किस संधि के तहत हिंदू संयुक्त निर्वाचक मंडल को यथावत बनाए रखा गया और दलित वर्गों को आरक्षित सीटें प्रदान की गई? तो ऑप्शन ए पुन्ना समझौता के तहत ऐसा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, USA का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? तो USA का सबसे आबादी वाला शहर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 32 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 35। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15,
भारत में गैंडा निम्नलिखित से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं काजीरंगा, गिर, रणथंबोर, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का संवाहक है? तो ऑप्शन दिए गए हैं एक्रिस्टलीय कार्बन, लोन सडलाइट, ग्रेफाइट, हीरा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ग्रेफाइट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन सी इसमें दिया गया है, लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त में एक द्रव्य माध्यम होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, सफेद रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, प्लाज्मा। क्वेश्चन 19 है, चुंबकीय क्षेत्र एक मात्रा है जिसमें होता है? तो ऑप्शन ए केवल परिमाण, बी दिशा और परिमाण दोनों, ऑप्शन सी केवल दिशा, ऑप्शन डी न दिशा न ही परिमाण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च ऑप्शन ए 1942, बी ऑप्शन 1930, 1905, 1920। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, प्रांतों में द्विशासन खालिस्तान के माध्यम से पेश किया गया था? प्रांतों में द्विशासन ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1915, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन ए दिया गया है वो इसका सही आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्विशासन पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 23, सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर की आवश्यकता होती है? तो चार ऑप्शन है, वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट और हैंडबॉल। तो गोलकीपर की आवश्यकता इसमें से नंबर 4 डी हैंडबॉल में होती है। क्वेश्चन नंबर 25, उचित परिस्थितियों के तहत एक अंकुर में भ्रूण को विकसित करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो चार ऑप्शन, वृक्षारोपण, अंकुरण, ओव्यूलेशन या परागण। तो ऑप्शन बी अंकुरण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से पृथक करने वाली सीमा रेखा को ऑप्शन जो बी दिया गया है, जल संभरण, वाटर शेड कहा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का गठन कौन सा मंत्रालय करता है? ऑप्शन ए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, बी वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, डी
वित्त मंत्रालय। तो उसका ऑप्शन ए सही आंसर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा द्वारा वर्ष खालिस्तान में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया गया है 1947 में। क्वेश्चन नंबर 29। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन डी म्यांमार में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए सभापति द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी उपराष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31। सन 1873 में सत्य शोधक समाज, सत्य खोजने वाला समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सी ऑप्शन ज्योतिबा फुले सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। सन 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी में दिया गया है निजाम उल मुल्क के द्वारा 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33। खालिस्तान एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन में दिया गया मिट्टी, कच्चा तेल, जल, वायु। तो ऑप्शन बी कच्चा तेल एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 34। भारत के नए शासन व्यवस्था का पहला गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। दुनिया में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, तो दुनिया में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है ए पेरू, बी चिली, सी बेलारूस, डी जापान। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी दिया गया है, चिली। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को ऊसर मिट्टी का नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन सी खारी नमक युक्त मिट्टी को ऊसर मिट्टी का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। धर्म निरपेक्ष शब्द का खालिस्तान द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत धर्म निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 38। जब समय और स्थान के कुवितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि घटित होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को समझिए। जब समय और स्थान के कुवितरण के समय अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि घटित होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है मौसम अनावृष्टि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। भद्रावती स्टील संयंत्र प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 40। ग्लास प्रिज्म के उपयोग से सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो ऑप्शन सी आइजेक न्यूटन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया किया? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। प्रकाश के संपर्क में आने पर पौधे का कौन सा हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है?
ऑप्शन बी ऑक्सिन हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। क्वेश्चन 44 है, अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाओं को निम्न में से किस राष्ट्र के साथ साझा नहीं करता। तो ऑप्शन क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन से देश से नहीं लगती है। तो इसका आंसर डी है, बांग्लादेश से नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है। क्वेश्चन 45, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है। ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लुका मॉड्रिक किस देश की फुटबॉल टीम से जुड़ा था। तो ऑप्शन है बी इसका सही आंसर है, क्रोएशिया। लुका मॉड्रिक किस देश की फुटबॉल टीम से जुड़ा था, तो इसमें एक प्लेयर के बारे में पूछा गया है, तो ये क्रोएशिया से हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन बी में दिया गया 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से जुड़ा है। तो चार ऑप्शन में है, सानिया नेहवाल, मनिका बत्रा, बबीता कुमारी फोगाट, मेरी कॉम। तो टेबल टेनिस से इसमें ऑप्शन बी सही आंसर दिया गया है, मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश राजदूत कौन था जो जहांगीर के काल में भारत आया था। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर दिया गया, सर थॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में एक ब्लास्टिक राज्य है। तो डेनमार्क, ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया गया है, जो यूरोप का एक ब्लास्टिक राज्य है। तो इस प्रकार से हमने आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में पूछे गए एक पेपर सेट के बारे में, उसमें जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हमने देखा है। इसी प्रकार अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। इस तरह से हम डेली एक पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपको दिखाए वीडियो में बात करेंगे कि 2019 में किस हिसाब से पेपर बनकर आया था, उसकी सभी की प्रैक्टिस हम डेली करेंगे एक पेपर एक वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।